आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं भेल स्टॉक के बारे में। और इस स्टॉक को अगर आपको याद हो तो काफी लोअर लेवल अराउंड 52 के आसपास के प्राइस पे हमने आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करा, और इस समय प्राइस देखेंगे तो 64 के आसपास ट्रेड होते हुए दिख रहा है। मोर देन इस स्टॉक में देखें तो 20% तक के रिटर्न्स दिखे हैं। टेक्निकली ट्रेंड काफी पॉजिटिव है और कंटिन्यूस देखेंगे तो पिछली 2 ईयर से इस स्टॉक का ट्रेंड काफी बुलिश है। इस स्टॉक में देखेंगे तो रेल विकास निगम के साथ हमने MOU साइन होते हुए दिखा, और डिलीवरी इस स्टॉक में देखें तो मोर देन 30% तक का डिलीवरी दिख रहा है। इस समय जो नेशन के कंट्रीब्यूशन सेल्फ डिफेंस के अंदर भेल कंटिन्यूस एग्रेसिवली करते हुए दिख रहा है, और इस समय आप देखेंगे कि भेल ने इंडियन एयरक्राफ्ट INS विक्रांत को बनाने का भी कार्य किया है, जिसमें कुछ इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू IPMS के थ्रू इसने कुछ जो इक्विपमेंट है उसका सप्लाई करा है। इस समय भेल स्टॉक में इसके बाद का एक न्यूज है कि SV श्रीनिवासन को अपॉइंटमेंट करा गया है, जो शायद न्यूज आपको भी पता हो भेल स्टॉक के अंदर। और इस समय इस स्टॉक के ट्रेंड काफी विजिबल है। SV श्रीनिवासन को भेल के अंदर अपॉइंट किया गया है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के लिए, और ट्रेंड देखे काफी बुलिश है। जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं इस स्टॉक में 56 के नीचे कैसेल को फॉलो करेंगे, नेक्स्ट टारगेट 80, और इस स्टॉक में नेक्स्ट 1 ईयर से पहले आपको श्योरली 100+ तक के लेवल्स दिख सकते हैं।